after me, Dwadam! यहीं पर हूं। नहीं पूछोगे क्या हो? चेहरे की खुशी से तो पता चलता है कि मंगनी हो गई है। अब शादी कब तय पाई है बानो? बहुत ही मुबारक हो। बुखलाई क्यों हो? खुशी से बानो, आपको मेरे सर पे दो सींग नजर नहीं आ रहे? कल रात वलीद की दुश्मन और आज वलीद की दुल्हन, ये अजीब नहीं है बानो? खुदा दोनों को आबाद करे। बेदार हो जाओ वलीद, तुलुए सुबह करीब है, उजाला फैल चुका है, लोगों की नमाज कजा कराओगे? कैसा बेहुदा झुकना उठना, सुबह की मीठी नींद आराम, बेहुदा उठना बैठना हलाल। ये रियासत भी मेरे लिए अजाब जान बनी हुई है। मेहराब और मिंबर से मुझे क्या मतलब चाय चाम? तुमने फिर से ज्यादा शराब पी रखी है कम्बा, ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। नशे की हालत में तुम्हारा मस्जिद को जाना ठीक नहीं। कहाँ जा रही हो? किसी से मस्जिद में कहलवाती हूँ कि तुम बीमार हो। कौन नमाज पढ़ाएगा मस्जिद कूफा? कोई भी पढ़ा देगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कौन मालिक है इस तरह? नहीं दाया नहीं, जाओ मैं ठीक हूँ। जाओ उजू के लिए गुलाब ले आओ, जल्दी करो। खड़ी क्यों हो? खड़ी क्या देख रही है कुतिया? मैं अगर किसी कुत्ते को भी दूध पिलाती तो आज ये अल्फाज सुनने को ना मिलते। लांती, नशा उतरने से सब ठीक हो जाएगा। रात इधर है, मेरी आंखों की स्याही में। दिन इधर है, मेरी आंखों की सफेदी में। मैं आलम हूँ, दुनिया मेरी आंखों के घूमने से घूमती है। मेरी एक निगाह से सूरज तुलु होता है, मेरी एक निगाह से रात को सितारे उतरते हैं। दुनिया मेरी आंखों के इशारों से चलती है, अगर आंखें बंद कर लूं तो आलमपुर आशोभ हो जाए। मैं कुत्ताम हूँ। रात मेरी आंखों में, लो रात को देखो। दिन मेरी आंखों में, लो दिन को देखो। रात को देखो मेरी आंखों में, दिन को देखो रात को देखो। आलम को देखो मेरी आंखों में, देखो। इस दीवानी को जंजीर में जकड़ दो, जंजीर में जकड़ दो इसे। ना पूछो। मैं खुदाम हूँ।
खुताम, तुम खुताम नहीं हो बेटी। मेरी बच्ची, क्या तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम खुताम हो? तुम खुताम नहीं हो। चलो मेरी बच्ची, चलो चलो चलो। हाँ हाँ, मैं खुताम हूँ, मैं खुताम हूँ। रात को देखो मेरी आंखों में, दिन मेरी आंखों में, आलम मेरी आंखों में, मेरी आंखों में दिन देखो, मेरी आंखों में देखो। ये जलजला मुझे नाबूद करके छोड़ेगा। खुदाम, खुदाम, मुझे नाबूद कर दे, मुझे नाबूद कर दे खुदाम। पीते जा और पिलाते जा। अल्लाह, ये क्या हो गया है? सुबह की नमाज क्या चार रकत हो गई? जहां तक मैं जानता हूं नहीं। फिर उसने चार रकत क्यों पढ़ी? अबू जैनब, वलीद अपने हवास खो बैठा है। सुबह की नमाज उसने चार रकत पढ़ा दी। हैरान हूं मैं, आज तक मैंने उसे इस हालत में नहीं देखा। बाबा, इसने सुबह की नमाज चार रकत क्यों पढ़ी? बाबा, ये वलीद ने क्या कर दिया? उसने इस तरह क्यों किया? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? चार रकत पढ़ा दी है, कम है, और पढ़ा दूं? ज्यादा पढ़ा दी, ज्यादा। बेवकूफ, दो रकत ज्यादा पढ़ा दी। दो रकत मेरी तरफ से। अय्युहन नास, तुम्हारा अमीर बुखार की वजह से बीमार है, वो हजियान बक रहा है, उसे सख्त बुखार है। आग की तरह बुखार में शिद्दत की वजह से उसने दो रकत नमाज के बजाय अगर चार रकत नमाज पढ़ा दी तो क्या गुनाह किया? शराब की हकीकत का क्यों इनकार कर रहे हो शायर? बदन तो बिल्कुल ठंडा है। हाँ? वली, तुझे तो बुखार नहीं है। Bye.
जिसको भी इस मलून की खबासत पर शक है वो अपने कान खोल कर सुन ले। जमाने जाहिलियत में जिसने भी शराब पी है और उसकी बू को पहचानता हो उसके मुंह को सूंघे। लानत हो उन पर जो सिर्फ माले दुनिया की खातिर खामोश बैठे हैं। वलीद के सिक्कों पर पलने वाले आए और आकर देखें कि किस बदबूदार लाशे की इक्तदा की है। बनी आज़द और असद तो दुश्मनी से कहते हैं, तुम लोग तो गैर जानिबदार हो। कभी शराबी भी पेश नमाज देखा है? मालिक, ये रहा जुर्म का सबूत। इस फसाद के जरासीम को तो मार देना चाहिए। एक फासिद को हमारा हाकिम बना दिया गया। मालिक, मैं इकरार करता हूं कि मुझसे शेख की तरफ ना इंसाफी हुई है। तुम सबसे ज्यादा शेख से नजदीक थे। बताओ मैं क्या करूं? क्या खलीफा से शिकायत करें? वलीद ने तुम में से कुछ लोगों की हिमायत से शेख को निकाला है। मदीने में मरवान ने उन्हें इतना पीटा है कि उनके सीने की हड्डियां टूट गईं। अगर तुमने भी खलीफा से शिकायत की तो तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। कूफे में अगर वलीद को कत्ल करोगे तो खलीफा के खिलाफ जंग करने का हुक्म लग जाएगा। अब एक ही रास्ता है, जाके अली से मदद मांगो। शायद उम्मुल मोमिनीन आयशा भी तुम्हारी मदद करें। मदीना जाना चाहते हो तो जल्दी करो। अगर वलीद होश में आ गया तो कूफे का रास्ता बंद कर देगा। तुम नहीं आओगे मालिक? वलीद और वलीदियों से निपटने के लिए मैं यहीं रहूंगा। चलो चलते हैं। कमीने बदजात, ओ कमीने जलील, बदजात जलील कहीं के तेरे सर पे वलीद।
मैंने उसे मार डाला। क्या भूत बने खड़े हो? पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वलीद की अंगूठी चोरी हो गई। किसने चुराया? जाओ कूफे के दरवाजे को बंद कर दो। जाओ जल्दी करो वरदान। दरवाजा बंद करो। बगैर इजाजत के दरवाजा क्यों खोल रखा है? इजाजत की क्या जरूरत है, तो हमारा हर रोज का काम है वरदान। कोई मशकूक सवार तो नहीं निकले? मशकूक क्यों, मुझे क्या खबर, यहाँ से चार घोड़े सवार गुजरे। उनका रास्ता बंद क्यों नहीं किया? तो रास्ता बंद करूं? दरवाजा खुला है, आना जाना आजाद है। बेवकूफ, अगर इसी तरीके से हर एक आता जाता रहे तो निगहबान की क्या जरूरत। दरवाजा खुला रहे या बंद कर दूं? जो दिल चाहे वो करो। चलो चलो बसरे के रास्ते से चलें। इतनी दूर से क्यों? कहीं वलीद के सिपाही पीछा ना करें। जान से मार डालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा वरदान, रुक जा वरदान, वरदान। मैं अमीर कूफा का मुहाफिज हूँ। इस छत के नीचे किसी को अमीर नहीं पाता। वाकई नहीं पाते हो? बिल्कुल नहीं पाते हो। वफादार कुत्ते तो अपने आका के सामने दुम हिलाते फिरते हैं, जबान नहीं चलाते। गुस्ताख हो गए वरदान। दफा हो जाओ अबू जुबैद, उसके नशे का सबब तुम ही हो। क्यों कल रात वो दूसरों का दिल तोड़कर शराब पे शराब पिए जा रहा था और तुम दोनों आपस में जाम टकरा रहे थे? ओ मर्द-ए-अरब,
कसूर तो तुम्हारा है जो तुम दूर हुए और उसकी अंगूठी चोरी हुई। जब तुम्हें पता था कि उसकी हालत सही नहीं है तो तुमने गफलत क्यों की? पता है उसने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें नहीं पता, कुत्ता मेरे ख्यालों की दुल्हन थी। और अब उसके मकर की रानी है। वफादार नौकर मैं हूं जो उसे अभी तक कत्ल नहीं किया। देखा दाया, ये पत्थर का भूत भी खुताम का आशिक हो गया है। देखा किस तरह रो रहा था। अगर वलीद दिन रात काली आंखों वाली की याद में खून के आंसू बहाए तो गुनाह है। बस खुताम, खुताम, कैसी नहस किस्मत है तेरी। काश तू लंगड़ी हो जाती, तेरे पांव टूट जाते। काश तेरी जबान काम ना करती बुलबुल। देखा शायर, इस दुल्हन ने अपनी मेहंदी के लिए कितने खून बहाए। बड़ी हसीन है, हौलनाक है। इस इश्क जिगर खार ने तो इज़राइल को भी पीछे छोड़ दिया, जो मेरे जिगर के टुकड़े करके मौत को ललकार रहा है। मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। सब्र करो वलीद, इसका हल सोचना होगा। तुम्हारे दर्द की दवा जरूर होगी। मेरे दर्द की? मैं दर्द गिनता हूं, तुम दवा बताओ। हमने शेख को शहर बदर किया तो आयशा हमारे खून की प्यासी हुई। आले उमैया की अली से दुश्मनी उनके बाप दादाओं को कत्ल करने से हुई। सबूत खलीफा तक पहुंचेगा, अली दखालत करेंगे, आयशा बलवा खड़ा कर देंगी, तो कूफे की इमारत बन जाएगी कब्र वलीद। और वो काली आंखों वाली बन जाएगी मेरी मलिका अजाब। अब वलीद के दर्दों की दवा तुम किस तरह करोगे शायर? कूफे के लोग वलीद की मोहर फरमा रवाई जो उसकी अंगूठी में थी लेकर मदीने में खलीफा वक्त के पास आ गए, ताकि उन्हें कूफे में गुजरने वाले हालात से आगाह करें। लेकिन मरवान इब्न हकम और अबू सुफियान शिकायत करने वालों की बात खलीफा तक पहुंचने में माने करार पाए। लिहाजा शिकायत लेकर आने वाले लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में चले गए और उनसे वलीद के फिस्क व फजूर को बयान किया। उन्होंने खलीफा से सख्त बहस व मुजादला किया और रसूल अकरम की नालैन हाथ में लेकर फरियादें बुलंद की। कितना जल्द इस साहिब नालैन की सुन्नत को भुला दिया गया कि जो अभी पुरानी भी नहीं हुई। आयशा का खिताब तेजी से मुसलमानों में आम हो गया। नतीजतन मस्जिद नबवी में एक बड़ा इज्तमा सामने आया और इस तरह मरवान से काफिया न बन पाया और खलीफा पर हकीकत आश्कार हो गई। वाले इब्ने आस तो
तुम कहाँ और कूफा कहाँ? कूफे की हुकूमत लेने तो नहीं आए हो या इसीलिए आए हो? तुफ हो तुम पर वलीद, तुम माया नंगे आले उमैया हो। माये नंगे उमैया? सुना अबू जुबैद, माये नंगे उमैया। तो यकीनन सईद इब्न आस और मरवान बिन हकम माये शराफत आले उमैया है। आले उमैया में कोई शराफत भी थी? कूफा क्यों आए हो इब्न आस? क्यों? अब मैं नया अमीर कूफा हूं, मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हें मदीने रवाना कर दूं। तुमने वो काम किया है कि उम्मुल मोमिनीन ने रसूल खुदा के जूते उठाकर वह मुसीबत का नारा बुलंद कर दिया है। आयशा, किस बहाने रसूल खुदा की हुरमत को तोड़कर बाहर निकल आई? खलीफा क्यों उनकी बातों पर ध्यान देते हैं? जिस तरह के तुमने शराब पीकर नमाज पढ़ाई है, कोई हुरमत रसूल खुदा को तोड़ता है तो कोई खुदाए रसूल की हुरमत को। चलो अपना बिस्तर बांधो और सफर के लिए तैयार हो जाओ, अगर देर करोगे तो मसला और बिगड़ जाएगा। और सुनो, तुम लोग सबसे पहले मिंबर को तहारत देना। ए चलो दफा हो जाओ, अगर मैं नजी छू तो तुम लोग आईने नजासत हो। मिंबर को किससे तहारत दोगे? आबे कुर से? आले उमैया की नजासत का क्या करोगे? मदीनतुन नबी हिजरी कमरी के चौथे अशरे में। क्या किया आलिम? कुछ नहीं हो सकता अबू सुफियान। कफारा देने पर भी राजी नहीं? नहीं, जितनी आया तो हदीसें याद थी, सब पढ़ डाली। खलीफा हैं कि गुस्से से दांत पीस रहे हैं, बस दीवार की तरफ देखते हैं और चुप। सुमन बुक 40 कनीजें खरीद कर आजाद कर दूंगा और एक साल तक 40 फकीरों का घर चलाऊंगा। सारी कोशिशें बेकार हैं अबू माविया। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे आलिम होते हुए हमारी मुश्किल हल न कर सको। जाके एक नई हदीस सुनाओ जो तुम्हारे सिवा किसी ने न सुनी हो। मुझे ना बनाओ अबू सुफियान। गुस्से से खलीफा का ये हाल है कि वो आलिम आकिल आबिद किसी को देखना नहीं चाहते। दोबारा मुझे देख लिया तो असा से मेरा सर तोड़ देंगे। 10,000 दीनार? 1,00,000 भी नहीं। खलीफा गुस्से से कांप रहे हैं। ताजियाना अली के हाथों में दे दिया है, सजा मिलकर रहेगी। इतनी शराब क्यों चढ़ा ली थी कमबख्त? इतना पीना चाहता था कि सबको भुला दूं। किसको भुलाने के लिए? कुत्ते? अपने आप को, बाप दादाओं को, सारे खानदान को। काश तुम अंधे नहीं होते तो मैं तुम्हें आई ना देता और तुम देखते कि हम सब तुम्हारे शबीह हैं अबू सुफियान। Oh.
30 साल पहले। तू भी तो एक फातिही ने जंग बद्र में से था। 30 साल लगे, 30 साल अपने दांत पीसता हुआ सब्र से अपने जीत का इंतजार किया। तुम्हारे जंग बद्र में लगाए हुए जख्म हम पर अब तक ताजा। बद्र वाले भी अबू सुफियान की दुश्मनी से लरस जाए और जान लें कि मैं भी असहाबे बदर के एक एक की कब्र बनाकर सोग मनवाऊंगा। अबू सुफियान, तुम हमारे लिए वैसे हो जैसे कि मूसा के लिए फिरौन था, उससे भी बदतर।